आपकी तैयारी कैसे थी पहले? तैयारी यही थी रगड़ किस बारे रगड़ कैसे तैयार किए थे और कितना? देखिए सबसे जरूरी है पहले तो आपको एग्जाम निकालना होगा। एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोचिंग वगैरह करता है तो कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास जो भी हो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या ब्लॉग में स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सभी? आज इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आगामी भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और उसमें जो 26,000 कुछ पोस्ट हैं उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। और हमारे गांव के हैं, हमारे अगल पास के हैं भैया जो हैं कि मतलब तैयारी करते थे काफ़ी मतलब समय से, और उनका जो है वो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें PSC में हो गए हैं, और इसमें ड्यूटी पर रहे हैं लोग। और यहाँ पे देखिए आए थे गांव से हम नौका बिहार घूमने, और दवा देखिए दवा लिए हैं। दवा लेने आए थे तो वहाँ पे मिल गए हैं आगे, मतलब यहाँ यहीं पे मिल गए हैं। तो अभी उनसे बात करेंगे कि कैसे तैयारी किए थे और कितना समय लगा था और कैसे तैयारी करना है बच्चों को। तो अभी उनसे बात करते हैं और काफ़ी बातें होंगी। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अभी मिलते हैं उनसे और मिलवाते हैं आप सभी को। तो बहुत मज़ा आने वाला है साथी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अभी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यही हैं, और पिछले साल जो मतलब 2019 में वैकेंसियाँ जो आए थे उसमें इनका ज्वाइनिंग हो चुका है। तो स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या ब्लॉग में। नमस्ते भाई लोग, सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। तो आप लोग आप बताइए कि हमारे व्यूअर को कि कैसे तैयारी किए थे और कितना? देखिए सबसे जरूरी है सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम निकालना होगा। एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कोचिंग वगैरह करता है तो कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास जो भी हो, नोट्स PDF तैयारी करिए। फिजिकल है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दौड़ 5 किलोमीटर दौड़ करना है। आप लोग तो उसको गांव देहात के हैं तो थोड़ा सा भी अगर रनिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो दौड़ निकल जाएगा। ये सबसे जरूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम निकालना, तो ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम देने पर करिए। तो जो 2022 में भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसमें कितने घंटा अगर बच्चे पढ़ें तो उनका एग्जाम? पढ़ाई का कोई टाइम नहीं है, आप चाहें तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो टेस्ट है, टेस्ट अगर दिन में 2 बार मारा जाए तो उसे अच्छा रहेगा कि मतलब एक दिन में एक ही बार मारें? देखिए एक दिन में मेरे हिसाब से एक टेस्ट बहुत काफ़ी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेस्ट पर ध्यान देंगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले कि आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको तैयार करके फिर टेस्ट देंगे तो उसमें आपका स्कोर अच्छा होगा। अच्छा, जैसे कि एक दिन में एक ही टेस्ट देंगे? एक दिन में एक टेस्ट देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मानसिक जो दबाव होता है वो कम रहेगा कि मेरा टेस्ट में इतना कम नंबर आ गया, ये हो गया हो गया, उससे आप बचे रहेंगे। आप जो बेसिक चीज़ है उस पर फोकस करके आप सब्जेक्ट को पढ़ के मजबूत करके तब टेस्ट देंगे तो स्कोर आपका अच्छा होगा। और जो जिस बच्चे का जो जैसे कि 60-65 नंबर आता है टेस्ट में, उनको क्या करना चाहिए? जैसे उनको देखिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो और टेस्ट डेली देते रहे। टेस्ट देने से एक लाभ ये है कि आपका स्पीड बढ़ेगा, कि सब्जेक्ट में किस तरह से मैथ है, रीजनिंग है, स्पीड आपको मिलेगी। और आप बेसिक नॉलेज अगर तैयार करते रहेंगे उसके बाद टेस्ट देंगे तो और बढ़िया स्कोर जाएगा। और आप बताइए थोड़ा हमारे व्यूअर को कि मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए कम से कम मान के चलिए अगर 5-6 घंटा डेली पढ़ रहे हैं टाइम से और एक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, वैसे आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब 2019 में जो वैकेंसी आई थी कब हुआ था? 2018 में जो वैकेंसी आई थी। अच्छा, 2018 में जो आया था उसी में इनका पोस्ट है PSC का है ना? हाँ, PSC कांस्टेबल। तो चलिए दोस्तों अभी मिलवाते हैं, एक भाई और हैं हमारे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी मिलवाते हैं उनको भी। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कामयाबी आपको, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों अभी मिलने वाले हैं सुभाष भाई से, और उनका भी ड्यूटी लग चुका है। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, बताइए आपको कैसा फील हो रहा है ड्यूटी पाने के बाद? ड्यूटी पाने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग गोरख मंदिर पे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। और इस समय नौका बिहार पाए थे, इस्तीफाक से आप मिल गए तो आपसे मुलाकात हुई। तो देखिए बता चुके थे हम कि दवा लेने आए थे और वहीं पे मिल चुके हैं, तो ऐसे बात हो रही थी। तो बताएं भैया बताएं हैं कि वैकेंसी आने वाली है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का,
तो आप बताइए कि मतलब जो आगामी भर्तियां आने वाली हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें बच्चे मतलब कितने घंटे पढ़े तो उनका एक सीट पक्का हो जाएगा? देखिए, एक सीट पक्का करने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता कि कोई इतना पढ़े तो पक्का हो जाएगा जी। सक्सेस पाने के लिए और एग्ज़ाम निकालने के लिए अपना हर पक्ष और हर विषय को मजबूत करना होगा, हर विषय पर स्पेशली फोकस करना होगा, उसको पढ़ते रहना होगा। ठीक, भर्ती आएगी, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद रिजल्ट होगा। और जैसे कि टेस्ट मारना कोई मतलब अनिवार्य? नहीं नहीं, टेस्ट मारना बहुत बढ़िया है, टेस्ट मारते रहिए, इससे आपका जो है टाइम स्पीड बढ़ेगा, वो जो टाइम लिमिटेशन दिया रहेगा उसमें आपका मतलब टाइम पता चल जाएगा। हाँ, हम कितने पानी में हैं, स्पीड मालूम चला जाएगा। तो देखिए, गांव के हैं भैया हैं हमारे, और इनका हो चुका है 2019 में, बता चुके हैं आप लोगों को। और देखिए, आज मिल चुके हैं, नौका बिहार आए थे घूमने, तो वहीं पे ये लोग मिल गए हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और तो देखिए दोस्तों, जा रहे हैं अब घर पे, यहाँ से नौका बिहार से जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अब यहाँ से देखिए निकल रहे हैं, और वहाँ पे देखिए सुभाष भैया और जो हैं वो लोग जा रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर एक्सेस चाहिए तो 4-5 घंटा जैसे बताएँ उससे पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद एक से पक्का हो। तो जाते जाते एक एक चाय पीने जा रहे हैं सब हम लोग, और यहाँ पे जैसे कि अब लास्ट मुलाकात है, तो एक एक चाय हो जाए, चाय के साथ अभी मस्ती करेंगे। वीडियो में देखिए, एक एक चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं। क्या लिखा है हमारे SM एंड EST पे, एक एक चाय पीने जा रहे हैं अभी। चाय का चुस्की लेते हुए, बहुत गर्म है। साथियों, अब जा रहे हैं लोग अपने घर, देखिए चलते हैं, हम भी बस पकड़ते हैं। देखिए कृष्णा मिल खड़ी है, इसी में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे जयगाम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत।